नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूं बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ वैसे होने वाली जैसी आप चाहते हो, बिल्कुल वही वाव और वंडरफुल वाली लाइफ जो हम सबको चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं पानी की एक ऐसी पावरफुल शक्ति की जो कि ना आपको आपके माइंड ना ब्लो कर देगा। पानी में इतनी ज्यादा शक्ति होती है जिसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर चुके हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ मसारू इमोटो के बारे में, जो कि जापान के हैं और जिन्होंने पानी के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस की है। इस रिसर्च में उन्होंने ऐसा किया कि पानी की बॉटल्स ली और उसके ऊपर लेबल्स चिपका दिए गए। लेबल इस टाइप के बहुत सारे लेबल्स चिपकाए गए, जैसे कि आई किल यू, आई हेट यू, आई लव यू, हैप्पीनेस, इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे थॉट्स उसके ऊपर लेबल करके सिर्फ चिपका दिए गए, उनको रखा गया और उसके बाद -4 डिग्री पे उनको फ्रीज किया गया। और आफ्टर फ्रीजिंग वो जो पानी थे, पानी के क्रिस्टल्स जो बने वो शॉकिंग थे, बहुत ज़्यादा शॉकिंग। मतलब वो इस तरीके के थे कि उनको देखने जो भी अच्छे थे, जैसे हैप्पीनेस का जो क्रिस्टल बना वो इतना ब्यूटीफुल, जो हेट का क्रिस्टल बना वो इतना ज्यादा अजीब सा। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं पानी के ऊपर, जो ये प्रूफ करते हैं कि पानी की एक अपनी मेमोरी होती है, ये एक याददाश्त होती है। इवन आपने जब हम स्कूल में थे तो हमने पढ़ा था कि पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को समा सकता है, तो उसमें मेमोरी भी एक है। पानी की एक याददाश्त होती है, पानी की मेमोरी होती है, ये मेमोरी क्या नहीं करा सकती। अब हम आते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट हो चुकी हैं इनके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पुराने जमाने में जितने भी रिचुअल्स होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, रिचुअल्स में पानी का जरूर यूज किया जाता था। उस रिचुअल से जो भी हम चैंटिंग करते थे, जो भी मंत्र चैंटिंग करते थे, उस पावरफुल पानी को पूरे घर में छिड़का जाता था। हमेशा प्रसाद में पानी का यूज किया जाता है। इवन ऋषि मुनि जब पहले यज्ञ हवन और जो भी तपस्या करते थे वहाँ पानी रखते थे, वो पानी इतना पावरफुल होता था कि वो उसे श्राप भी दे दिया करते थे। तो पानी की पावर इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा, जैसे पानी में बोलते हैं पानी में अगर नमक डालकर आप उसे नहा लो तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, पानी में नमक डाल के पोछा लगा लो घर में सारी नेगेटिविटी। तो पानी बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकता है। और अब हम ये जानते हैं कि ये जो पानी की शक्ति है इसको हम अपने डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करें। आप डॉक्टर मसाओ इमोटो का जो पूरा वीडियो है या फिर जो भी नॉलेज है वो आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहती। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे हम इस पानी की शक्ति को अपने डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि जो भी आप पानी पीते हैं वो आपके शरीर में जाता है, मतलब हमारा 71% तो वाटर ही है। तो जब वो इतना सा पानी जिस पे हमने सिर्फ आई किल यू लिख दिया या आई लव यू लिख दिया, अगर वो उसके क्रिस्टल्स इतने सुंदर और इतने गंदे बन सकते हैं तो हमारी बॉडी पे उसका कितना इफेक्ट होता होगा। और आप देखिए, हम सब वाइब्रेशंस हैं, हम सब एनर्जी हैं, पानी भी एक एनर्जी है, हमारी बॉडी में जो जा रहा है वो सब एनर्जी है, हम भी एक एनर्जी है, और जो हम थॉट्स जो हम बोलते हैं वो भी एक एनर्जी है। तो किस तरीके से हम, आपने देखा होगा जब हम बैठते हैं, जब भी कोई गेट टुगेदर होता है, जब 4-5 लोग बैठे रहते हैं, सबसे पहले पानी सर्व किया जाता है और हम उस समय गॉसिपिंग कर रहे होते हैं, कुछ भी बोल रहे होते हैं, और रैंडमली वो जो भी हम बोल रहे होते, चाहे हम किसी की बुराई कर रहे हो, अच्छाई कर रहे हो, दोनों चीज़ें वो सब उस पानी के अंदर वो मेमोरी बन के स्टोर हो रही है और वही पानी आप पी रहे हो। तो आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करना पड़ेगा कि ये पानी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नहीं आप बोल सकते हो, क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं और वही पानी फिर हम गटक जाते हैं। तो हम इस थॉट को, इस पानी को अपने थॉट से किस तरीके से पावरफुल कर सकते हैं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारा यूज कर लिया है इसलिए, और इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो चीज़ मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया मैं नहीं बताऊंगी आपको, मैं वही चीज़ बताऊंगी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है कि आप इससे क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपका जो पानी का बॉटल है, ठीक है, आप उस पानी के बॉटल पे जो भी एफर्मेशन, जो भी संकल्प, जो भी विश आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपको चाहिए वो लिख डालो। जैसे आप लिख सकते हो आई एम हैप्पी, आई एम जॉय, आप लिख सकते हो आई एम अ मनी मैग्नेट,
आप लिख सकते हो आई एम हेल्दी। अगर आपको कोई अपना वेट इश्यू है तो आप लिख सकते हो आई एम हेल्दी 45 kgs, आई एम हेल्दी 55 kgs। हेल्दी लिखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप वेट लूज तो कर लोगे, बट वो किस तरीके से करोगे अगर वो नेगेटिव बीमार होके आए तो। तो इसलिए जो भी अफर्मेशन आप लिखते हो उसमें आपको बहुत प्रॉपर होना पड़ेगा कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। आई एम, अगर आपका किसी से रिलेशन अच्छा है, अच्छा करना है तो आई हैव गुड रिलेशनशिप, आई हैव गुड फ्रेंड्स। इस तरीके से आप हजारों चीज़ें आप इंग्लिश हिंदी जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। आपकी बॉटल जो आपकी है आप उसके अंदर पानी भर कर ये अफर्मेशन एक पेपर पे लिख दो, उसको अच्छे से स्टिक कर दो उस बॉटल के ऊपर, और उसके बाद रात भर उसे रख दो और सुबह उस पानी को धीरे धीरे, एक बार पीने की जरूरत नहीं, आप धीरे धीरे सिप कर करके उस पानी को पी सकते हो। आपको जो भी अफर्मेशन लिखना है जो आपको अपनी लाइफ में मिसिंग लगता है, अगर आप बच्चों के लिए यूज करना चाहते हो तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, उनकी मेमोरी पावर शार्प मेमोरी करके लिख सकते हो, गुड मार्क्स करके लिख सकते हो, एनर्जेटिक लिख सकते हो, अगर आपको बच्चों में कोई हैबिट डिसिप्लिन करके लिख सकते हो। इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें उस बॉटल पे चिपका दो और उसके बाद उस पानी को रहने दो थोड़ी देर और उसके बाद उसे पियो। दूसरी चीज आप कर सकते हो, जो स्टिकर्स छोटे छोटे मिलते हैं आप उनको भी पानी की बॉटल पे लगा सकते हो, इवन आपका जो भी पानी का सोर्स है जैसे एक्वागार्ड है या जो भी ऐसी चीज है, मैंने तो उसके ऊपर ही चिपका दिया है। मेरा लिखा हुआ है हाई वाइब्रेशन क्योंकि मुझे हाई वाइब्रेशन चाहिए। जब भी आप हाई वाइब्रेशन पे होते हो दैट मीन्स आप हैप्पी होते हो, और जब आप हैप्पी होते हो तो आप उस सोर्स से, उस गॉड से, उस यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हो, और जब आप उस सोर्स से कनेक्टेड होते हो ना तो आपकी लाइफ में हर चीज अच्छी हो रही होती है। सिंपल सी बात तो ये है। तो आप डायरेक्टली उस पानी के ऊपर भी अपना लिखो, अच्छा सा लिख लो एक, चिपका दो, आपका काम तो वहीं से बन जाएगा। और उसके बाद आप बॉटल्स पे यूज कर सकते हो। आप इस पानी को और भी बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हो। आप पानी लो और अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कोई अनहेल्दी है, उसको कोई बीमारी है, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ ऐसा है, और आप उनसे ऐसा बोलोगे तो बोलेंगे ये क्या लिख के रख रखा है, मानेंगे नहीं जल्दी, तो आप सबसे पहले ये चीज करोगे कि आप पानी लीजिए, उसके अंदर अफर्म कीजिए, जिसका भी आप उनका नाम ले सकते हैं, माय मम्मी इज हेल्दी, उनकी उनका जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का नाम नहीं लेना है, आपको सिर्फ हेल्दी बोलना है, ही इज हेल्दी, शी इज हेल्दी करके आप उसे उस पानी को अफर्म कीजिए, चैंट कीजिए ही इज हेल्दी, ही इज फिट, और जो भी उनका ये इशू है उसको बोलिए कि वो ठीक हो रहा है, आई एम सो हैप्पी कि वो ठीक हो रहा है, थैंक यू बोलिए उस पानी को और जाके उनको पिला दीजिए। और आप ये एक दिन नहीं, आप करते रहिए, कंटिन्यूस करिए। इसी तरीके से अगर आपको अपने बच्चों के लिए, अगर आपको अपने बच्चों में कोई डिसिप्लिन हैबिट, या फिर अगर आपको अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम जब मम्मियों का तो ज़्यादातर ये होता है कि मम्मियाँ जब डांटती रहती है तो बच्चे ऐसे रहते हैं कि हाँ मम्मी तो मुझे दिन भर डांटती रहती है, आप उनके साथ एक अच्छा रैपोर डेवलप कर सकते हैं इस पानी के साथ। सही में ये बिल्कुल मैजिकली काम करता है, लॉजिकली नहीं, लॉजिक तो है ही इसके पीछे, बट ये मैजिकली भी काम करता है। जब आप उस पानी को अफर्म करके बोलेंगे कि मेरा और उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, शी अंडरस्टैंड मी, ही अंडरस्टैंड मी, और आपको उनके अंदर जो भी हैबिट इनकलकेट करनी है, या फिर किसी को भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आप दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा कर सकते हो उसके साथ। आप वो अफर्मेशन बोलिए 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, जितना मन करे आपका, फीलिंग के साथ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बोलिए और उस पानी को उनको पिला दीजिए। जिसके साथ भी आपको ये चीजें करनी है आप ये चीज कर सकते हैं, और ये बहुत पावरफुल है। अब इसमें बस एक ही चीज है कि आप जो भी करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, उसके साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फीलिंग्स और आपका बिलीफ। अगर आपके फीलिंग्स ये कहते हैं कि ये काम करेगा तो ये करेगा, अगर आपका बिलीफ सिस्टम कहता है कि ये काम करेगा तब करेगा, और अगर आपका बिलीफ सिस्टम नहीं कहता है कि यार ये क्या है, तो मैं आपको बोलूंगी कि एक बार दो बार इसे थोड़े दिन करके देखिए। अगर आप अपनी स्किन इश्यूज हैंडल कर रहे हैं, जैसे एक्ने है, पिंपल्स है, या कुछ भी इस तरीके का भी है, आप अपने पानी को अफर्मेशन दीजिए, ये पानी पीने से मेरी स्किन ग्लो कर रही है, ये पानी पीने से मेरी लाइफ बहुत बेटर होती जा रही है, इस तरीके से आप पानी को अफर्म करके, जब भी आप पानी पीजिए उस पानी को आप अफर्म करके पीजिए कि ये पानी क्या कर रहा है आपकी बॉडी में जाके, और ये थॉट्स आपके अंदर जाएंगे और आपके अंदर वो पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे जो आपको चाहिए। पर कंटिन्यूस इसे कुछ दिन करिए जरूर, ठीक है।
ये बहुत मैजिकली काम करता है, करके देखिए दोस्तों, और कुछ अच्छा रिजल्ट हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है ये 110% रिजल्ट देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।